इन गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स ज्योग्राफी इज लाइक अ चेस बोर्ड. आपने एक स्ट्रेटेजिक मूव मिस किया, दूसरे ने उस मूव को लिया, तो आपकी फ्यूचर की जो स्ट्रेटजीज हैं वो इनफेक्टिव हो सकती हैं, देश के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं. आज का चर्चा का विषय है, क्या म्यांमार इस चेस गेम में चाइना के लिए एक मोहरा है जिसके थ्रू चाइना बे ऑफ बंगाल पर अपनी हेजेमनी को एस्टेब्लिश करना चाहता है. इन डिटेल डिस्कशन से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, इंडियन ज्योग्राफी बाय स्टडी आईक्यू ये बुक रिलीज हो चुकी है. कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस इन अ सिंपल मैनर, मैप्स, स्कीमेटिक्स, केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, प्रीकम मेंस क्वेश्चन सब कुछ है इसमें. फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर अवेलेबल है. दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल shashank.powerbeam. वीडियो से जुड़े अपडेट्स, MCQs यहाँ पर आते रहते हैं. कभी आपको कोई क्वेश्चन हुआ, यू कैन रीच मी आउट हियर. दिस इज टेलीग्राम ग्रुप. बे ऑफ बंगाल ब्रिटिश इंडिया का एंट्री पॉइंट, प्रोमिनेंट बंगाल, इस वजह से नाम हुआ बे ऑफ बंगाल. ज्योग्राफिकली इंडियन ओशन के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है. वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में इंडिया, नॉर्थ में बांग्लादेश, ईस्ट में म्यांमार. श्रीलंका की ईस्टर्न मोस्ट टिप, यहां पर है संगमन कांडा, एक छोटा सा विलेज है. साथ में सुमात्रा जो इंडोनेशिया का पार्ट है उसकी टॉप मोस्ट टिप. यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो इसके ऊपर के एरिया को हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं. प्लीज ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान रखिएगा, कई बार ये गुगली की तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं. इस रीजन में दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन रहती है, तो आपको नहीं लगता एक सिग्निफिकेंट मार्केट यहां पर है. चाइना की डोमिनेंस, चाइना ऑलरेडी इंडियन ओशन में ग्वादार इन पाकिस्तान, हम्बन टोटा इन श्रीलंका, यहां पर अपनी प्रेजेंस रखता है. यंगून, म्यांमार का 90% इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी पोर्ट से होता है. चाइना की नजर अब इस पर है. कारण, चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, इस बात से आप सभी वाकिफ हैं. यानी कि इतना उधार दूसरे देश की समृद्धि के लिए उन इतना दे दो कि वो वापस ही ना कर पाए, और जब वो वापस ना कर पाए तो उनसे कह दो कि चलिए हमें ना यहां पर 50% से ज्यादा स्टेक दे दीजिए, हम इतना आपका उधार माफ कर देंगे. अगर ऐसा होता है तो आप केवल इसको पोर्ट डील मत समझिएगा. म्यांमार के साथ इंडिया की अलायंस इंपोर्टेंट है हमारी नॉर्थ ईस्ट पार्ट की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो अपना हब बनाए रहते हैं म्यांमार के जंगलों को. इससे पहले भी म्यांमार और इंडिया की आर्मी ने ज्वाइंट ऑपरेशन किए हैं, जैसे ऑपरेशन सनराइज, राइट. तो अगर ये गवर्नमेंट चाइना के दबाव में आ जाए, अपनी संप्रभुता को खो दे, तो आपको नहीं लगता देश की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा, राइट. 2017 में चाइना ने म्यांमार के रखाइन स्टेट में क्योप्यू पोर्ट पर 70% स्टेक ले लिए, और इसको कनेक्ट कर रहा है यूनान प्रोविंस से, चाइना का वेस्टर्न प्रोविंस, और वहां पे स्पेसिफिकली कुनमिंग जगह पर. क्यों कर रहा है? चाइना कहता है कि देखिए मेरा जो वेस्टर्न रीजन है वो लैंडलॉक्ड है, जो आपका ईस्टर्न रीजन है, सदर्न रीजन है, उसको तो मैं साउथ चाइना सी से कनेक्ट करके, ईस्ट चाइना सी से कनेक्ट करके व्यापार कर लेता हूं. मुझे यहां पर व्यापार के लिए जरिया चाहिए. देखिए अगर ये जरिया यहां पर बन रहा है स्ट्रांगली, फिर यहां पर अपने व्यापारिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए चाइनीज नेवी की प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. और इसी एरिया में है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहां पर है हमारी टेरिटरीज, तो इस वजह से हमें एक फार रीचिंग स्ट्रेटजी सोचनी पड़ेगी. देखिए चाइना ने यहां पे यंगून से लेके कुनमिंग की तरफ ऑलरेडी कार्गो टेस्ट कर लिया है. मतलब क्या है? एक शिप को यहां पर लाए, सामान को उतारा और उस कार्गो को यहां तक पहुंचाया. ये एक तरीके से इंडिकेशन दिया वेस्टर्न कंट्रीज को कि ये जो तुम क्वाड क्वाड ऑकस ऑकस खेल रहे हो ना, इससे कुछ ज्यादा दबाव दे नहीं पाओगे. मुझे साउथ चाइना सी में काउंटर करने की कोशिश करोगे तो मैं अपना यहां से व्यापार जारी रखूंगा, उधर सीपैक के थ्रू ग्वादार से व्यापार जारी रखूंगा, उसकी तैयारी पूरी है. तो ये चाइना की स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म. क्योप्यूक से कुनमिंग एंड यंगून, देखिए यह है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे सीपैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. इन तीन लोकेशंस को ध्यान रखिएगा, याद करने का तरीका KKY, आई थिंक ये याद रहेगा आपको. अब यह क्योप्यूक डीप सी पोर्ट जहां पर काम चल रहा है, चाइना मेजरली यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है. म्यांमार की सरकार भी चाहती है जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो. कारण, उसका मानना है जब चाइना के कार्गोज यहां से होकर जाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, यानी कि उनकी आर्थिक समृद्धि का साधन है ये पोर्ट, लेकिन हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है. अब चाइना की इस एरिया में अदर क्या स्ट्रेटजीज हैं, जरा उन पर नजर डालिए. ये तो अभी हमने डिस्कस किया चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर. अब ये सदर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर देखिए, जहां पर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन देशों को चाइना जोड़ रहा है. साथ में देखिए ये ईस्टर्न कॉरिडोर जहां पर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इनको वो जोड़ रहा है. आप कह रहे होंगे कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ रहा है तो उसमें हमारा क्या जाता है? अरे बहुत कुछ जाता है. अगर यहां पर इतना ज्यादा डेट
वो इतने देश इन देशों को दे रहा है और वो ना दे पाए इसको वापस, तो चाइना यहाँ पर सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। इंडिया ऑलरेडी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, देश के युवाओं को नौकरी देने के लिए यहाँ पर इस मार्केट को टैप करना चाह रहा है। साउथ ईस्ट एशिया हमारा फोकस है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आई थिंक यू रिमेंबर, उसमें हम भी कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी की बात करते हैं कि हम जोड़ें इन एरियाज को जिससे सीधा व्यापार यहाँ पर आसानी से हो सके। अगर हमसे पहले चाइना ऐसा कर रहा है तो चाइना इस मार्केट को कैप्चर करेगा, राइट। एक और आपको रोचक बात बता दूं, यहाँ पर जो CLV नेशंस है यानी कि कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये ऑलरेडी चाइना की कई सेक्टर्स को कम्पीट कर रहे हैं, जैसे कि लेदर। अब कई लेदर यूनिट्स सोच रही हैं कि भाई वहां पर बनाना तो महंगा है, क्यों ना इन देशों में बनाए। तो चाइना ऑलरेडी यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है, पहले तो अपने ही लोगों को लाकर वहां पे प्रोजेक्ट में लगाता है, नौकरियां देता है। दूसरा कहता है अपनी कंपनीज को कि भाई अगर वहां पर ज्यादा सस्ता है बनाना तो आप वहां फैक्ट्री लगाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कम से कम दुनिया के जिस भी इलाके में आपका प्रोडक्ट बेचा जाएगा, प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट का हिस्सा चाइनीज गवर्नमेंट के पास आएगा। तो वहां की मार्केट के प्लेयर्स को बढ़ने क्यों देना, खुद वहां पर अपने आप को एस्टेब्लिश करो। तो ये स्ट्रेटजी है चाइना की। तो ये ड्रैगन के विंग्स मान लीजिए जो सभी दिशा की तरफ फैल रहे हैं BRI के थ्रू। नाउ अब जो ये CMEC है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इससे दो फायदे हो रहे हैं चाइना को। एक तो मॉनिटर कर सकता है इंडिया को, राइट, इंडियन नेवी की प्रेजेंस को, और दूसरा वो अवॉइड कर सकता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का को। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए वन ऑफ द बिजिएस्ट सी ट्रेड रूट है और चाइना को लगता है कि देखिए यहाँ पर इंडिया ने डील करी और सबोंग पोर्ट इंडोनेशिया से लेकर वहाँ पर अपना बेस बना रहा है। चाइना ने इस पर कहा कि ये गलत है, तो हमने कहा भाई हमारा जो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वो क्रिटिकल हैं, राइट, हमें भी व्यापार के लिए अपने अपने शिप्स को और अपने जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं उनके शिप्स को सेफ पैसेज देना है, तो हमारी प्रेजेंस यहाँ पर ज़रूरी है। तो चाइना कह रहा है अच्छा आप अगर ऐसा कर रहे हो तो हम अपनी डिपेंडेंस को कम करेंगे, अब हम इसको अवॉइड करके सीधे यहाँ से व्यापार कर सकते हैं। US और इंडिया दोनों चाहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंस चाइना की ना हो। आप अगर इस रीजन को देखेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए चाइना के फ्लैग्स, यहाँ चाइना की नेवी की प्रेजेंस है, और ये आपको दिखेगा US UK, ये छोटे छोटे आइलैंड पर बेसिस हैं जहां पर US UK प्रेजेंट है, ये इंडिया प्रेजेंट है। US नेवी की जो माइट है, जो प्रभुत्व है, उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाए। 2030 में चाइना 67 नए मेजर सरफेस शिप्स को ला रहा है और 12 न्यू न्यूक्लियर सबमरीन्स को ला रहा है इस एरिया के लिए। युआन क्लास सबमरीन AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, यानी कि बार बार सतह पर आने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म मिशंस पर ये जो आपकी सबमरीन्स हैं ये अच्छा काम कर सकती हैं। चाइना इज ग्रोइंग इट्स नेवी और ऐसे में कहा जा रहा है कि 2030 तक वो मेजर सीज पर कंट्रोल कर लेगा और 2049 तक वो US नेवी को पीछे कर देगा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों US इज सो मच इंटरेस्टेड इन इंडियन ओशन, क्यों चाहता है कि चाइनीज नेवी की प्रेजेंस यहां पर ना बढ़े। देयर आर रिपोर्ट्स कि अभी इस समय करीब 125 फॉरेन वेजल्स एक समय पर इस एरिया में पाए जाते हैं इंडियन ओशन में, जो कि World War II के दौरान जो प्रेजेंस थी उससे भी ज्यादा है। तो इतना क्रिटिकल है इंडियन ओशन रीजन इस समय पर। हमारे नेवी चीफ कह रहे हैं कि किसी एक समय पर हम भी कम से कम 3 चाइनीज नेवी के शिप्स को ट्रैक करते हैं कि वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं हमारे आसपास के एरियाज में। प्रिवेंटिंग चाइना फ्रॉम गेनिंग इन्फ्लुएंस इन दिस एरिया, इसके लिए हमें चाहिए कि नए नए पार्टनरशिप्स करें, नई तरह की एंगेजमेंट करें नए नए पावर से इस एरिया में, तभी जाके हम काउंटर कर पाएंगे। अगर बे ऑफ बंगाल की बात और अंडमान निकोबार आइलैंड पर हमारी थिएटर कमांड की बात ना हो तो बात ना काफ़ी होगी। थिएटर कमांड का मतलब है कि एक कमांडर के अंडर हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इवन कोस्ट गार्ड, वो सब मौजूद हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में। 4 फायदे हैं इसके। पहला तो एक हम आई रख सकते हैं चाइना पर इस एरिया में। दूसरा सेफ पैसेज दे सकते हैं अपने जहाजों को और प्लस जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं उनके शिप्स को। साथ में सिक्योर कर सकते हैं 5.95 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि मेजर टसल बन सकता है फ्यूचर में। चेक इन्फिल्ट्रेशन एंड स्मगलिंग इन दिस एरिया। देखिए ये म्यांमार के कोको आइलैंड से मात्र 42 किलोमीटर है। इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि देखिए डेट ट्रैप फॉर मोर नेशंस, अगर चाइना ऐसा करता है तो इससे रीजनल स्टेबिलिटी खतरे में आएगी, इससे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, मोनोपोली कर सकता है चाइना इस एरिया में, तो ऐसे में इंडिया की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ऐसे में रिसोर्स का एक्सप्लोटेशन जैसे कि बे ऑफ बंगाल रीजन में, ऐसे में इंक्रीजिंग बॉर्डर टेंशन होंगी इंडिया और चाइना के बीच में। तो यानी कि ये मूव जो है चाइना के बे ऑफ बंगाल में ये कनेक्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, डिस्कस चाइनीज फोरेज इन बे ऑफ बंगाल रीजन, हाउ इंडिया इज गोइंग टू सिक्योर इट्स लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल एंड जियोइकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि क्या कर रहा है चाइना
और क्या हम कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा।